पहले वाले कॉलम में ऊपर क्या लिखे हैं? पहले वाले कॉलम में यहाँ पार्टिकुलर्स, ओके, पार्टिकुलर्स, वोल्टेज रेजोनेंस, करंट रेजोनेंस, इंपीडेंस अंडर रेजोनेंस कंडीशन, जेड इज इक्वल टू आर मिनिमम, जेड इज इक्वल टू एल बाई सी आर मैक्सिमम, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अंडर रेजोनेंस, अंडर अंडर रेजोनेंस, अंडर रेजोनेंस कंडीशन, I is equal to V by R. I is equal to V by R, the maximum, and I is equal to principal control V divided by L by CR. ये maximum है, ये minimum होगा, simple सा बात है। Minimum impedance, maximum current, maximum impedance, minimum current, बस वही चीज़ है। हो जाते तो बताइए ना, ऊपर वाला ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। नोट करने के लिए पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, तो इसके केस में होगा यूनिटी, इसके केस में भी होगा यूनिटी, दोनों केस में एट रेजोनेंस पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है, क्योंकि सर्किट उस समय प्योर रेजिस्टिव रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अनुष्का मिश्रा, टर्न ऑफ योर कैमरा, टर्न ऑफ योर कैमरा, ओके। इसके बाद मैं रब कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल। यहां तक हो गया पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, ठीक है, यूनिटी यूनिटी। एनीवन रिस्पॉन्स? रब कर दू, नोट कर लिया आपने? यस मैम। ओके 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 ओके, ठीक है। ऊपर वाला कॉलम बता रही हूँ कि वहां पर मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये अगर दिमाग में रहेगा तो गेट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, चेक कर सकते हैं, पिछला क्वेश्चन देखते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, एफ आर इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस था 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 1/2 पाई रूट ओवर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो, क्योंकि ये वाला ज्यादा इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू जो है हम कम डायरेक्शन से मेजर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यही होता है, यही आता है, बट ऑनिकल इक्वेशन मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा देखिए,
ये ब्लॉक हो गया। दूसरा नोट कीजिए आप, दूसरा मैग्निफिकेशन ऑफर्स। मैग्निफिकेशन किसमें होता है आपको शायद मैंने बताया, मैग्निफिकेशन ऑफर्स, मैग्निफिकेशन ऑफर्स। ठीक है, तो पहला वोल्टेज रेजिस्टेंस में वोल्टेज एम्पलीफाई होगा जो मैग्निफाई होगा, और करंट के लिए करंट मैग्निफाई होगा। Because of this magnification only, series resonance is known as voltage resonance and current resonance is known as, parallel resonance is known as current resonance itself. Okay. Note करके बोलिएगा। दूसरे सेक्शन की ओर जाएंगे। यस मैम। नोट हो जाएगा बताइए। यस मैम हो गया। हो गया? यस मैम। वेल लास्ट जो मैग्निफाई है, जो मैग्निफिकेशन होता है, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हो, उसको मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। मैग्निफिकेशन या क्वालिटी फैक्टर जो भी बोलो, दोनों के लिए सेम है, ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, और बैंडविड्थ आर बाई टू पाई एल, आर बाई टू पाई एल। ये फॉर्मूला है, बस सिंपल याद रखना आपको। ठीक है, बैंडविड्थ में यहाँ पे कर दे रही हूँ ऊपर बैंडविड्थ, ये बस याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया ऑप्शन में तो कर दो, अगर नहीं आता है तो न्यूमेरिकल भी जाएगा कि इसको याद रखना। बैंडविड्थ एफ आर बाई डेल्टा एफ बाई एफ आर होता है, तो उसको आर बाई टू पाई एल हर्ट्ज, यहाँ भी सेम हो जाएगा आर बाई टू पाई एल हर्ट्ज। तो तीन चीज ये सेम है, थोड़ा बहुत क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल के फॉर्म में आप लोग याद रखिए, फॉर फ्यूचर कंसर्न भी ये आपके लिए सही रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वालिटी फैक्टर ये भी याद रखना, क्यू आर इज इक्वल टू, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रही हूँ सबसे ऊपर में, क्वालिटी फैक्टर जो है डेल्टा एफ बाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा एफ बाई एफ आर, डेल्टा एफ होता है फ्रीक्वेंसी का जो ये रहता है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस, सॉरी एफ आर बाय डेल्टा, क्वालिटी फैक्टर एफ आर बाय डेल्टा है, एफ आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डेल्टा एफ इज फ्रीक्वेंसी बैंड, इसके बीच में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एफ टू माइनस एफ वन, डेल्टा एफ जो है आपको दिया रहेगा, सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन जो है इसको क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, मैग्निफिकेशन और क्यू फैक्टर, ओमेगा एल बाय आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में होगा। अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ टू माइनस एफ वन को, अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा इफ इज द डिफरेंस बिटवीन द देम। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट कितना है फ्रीक्वेंसी का, और डेल्टा एफ उनके बीच का डिफरेंस। जो पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे ये ग्राफ में, प्लॉट में पढ़े थे ना कि बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या काम कर रहा है, तो उसको एफ वन ले लो, अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसको एफ टू ले लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो एफ टू माइनस एफ वन। ठीक है, वही है अपर और लोअर हाफ ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी। सर ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये तो प्रीवियस टॉपिक का मैंने जो बोला था फर्स्ट, तो आज का टॉपिक है थ्री फेज एसी सर्किट। कोई मुझे बताएगा थ्री फेज एसी सर्किट का मतलब क्या हुआ?
सिंपल थ्री फेज एसी सर्किट का मतलब क्या हुआ, क्या समझते हैं थ्री फेज एसी सर्किट से? थ्री फेज एसी सर्किट से आप क्या समझते हैं? बाबू किसी ने नाम सुना है थ्री फेज एसी सर्किट? रब कर दो। यस मैम। यस मैम। थ्री फेज एसी सर्किट, थ्री फेज को ऐसे नंबर लिखना लिखो सिंपली लिखिए पी एच थ्री फेज पूरा लिखो थ्री फेज एसी सर्किट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है फेज का मतलब क्या होता है बाबू, उससे पहला बात फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब सिंपल सा समझो कि हमारे ऊपर जो ओवरहेड लाइन है उसमें देखो कितना होता है तार, तीन या चार? तीन। 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 ध्यान से देखिएगा तो आज घर से बाहर निकल के इवनिंग में तीन होता है कि चार होता है? चार। गुड। चार होता। दो होता है। अच्छा अब दो भी होने लगा। तीन होता है मैम। तीन होता है। होगा तो वो रिटर्न पाथ के लिए होगा, वो यहाँ आपको दिखेगा भी देव ट्रांसमिशन सिस्टम में दिखेगा ग्रिड के पास, जो रास्ता में हम लोग कहीं दूर दूर जाते हैं ना तो स्टील का पोल सब कनेक्टेड होता है वो उस पोल के बीच में आपको दो जाके तार तार दिखेगा, ठीक है? वो यहाँ दिखता भी नहीं है एक्चुअली, हम ओवर हेड लाइन का बात बोल रहे हैं जो आपके घर के पास से गुजरता है। तीन होता है। अबाउट ओवर हेड लाइन चार होता है, तीन है फेज और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ये समझिए, न्यूट्रल है कि जहां पे तीनों का करंट जो है सम कीजिएगा, तीनों तार में जो करंट फ्लो कर रहा है अगर उसका समेशन कीजिएगा तो वो न्यूट्रल के बराबर होगा, इसका मतलब वो बैलेंस है, वो बैलेंस है। तो आपके घर में जो सप्लाई आता है, हर एक के घर में सप्लाई आता है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, ऑल लोड्स आर कनेक्टेड एट पैरेलल, ठीक है? अगर स्पेसिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपके घर में क्या सप्लाई आता है तो सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, ऑल लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 220 और 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। समझ में आया सबको? 220 और 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, दैट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर योर हाउसहोल्ड सप्लाई। आप समझो कि क्यों ऐसा होता है, आप बहुत बार देखे होंगे कि आपके पड़ोसी के घर में लाइन है आपके घर में लाइन नहीं है, ठीक है? तो कहते हैं उसके फेज में करंट है हमारे फेज में करंट नहीं है, क्या क्यों कैसे बताओ? ट्रांसफार्मर के पास जो तो तीन फेज जो है वो दिखाता है तीन अलग अलग तार है, ठीक है? तीन अलग अलग वायर है, वो तीनों फेज को नोटिफाई कर रहा है क्योंकि तीनों फेज से करंट जा रहे हैं, हर एक के घर में एक तार वो मतलब एक फेज से और एक न्यूट्रल से मिला के कनेक्शन उसके मीटर में डाल दिया जाता है, तो हर एक के घर में अलग अलग फेज से आया होगा, तो किसी कारणवश किसी में फॉल्ट हो गया किसी एक फेज में तो क्या है किसी दूसरे के घर में पार है, लेकिन जिस फेज में फॉल्ट हुआ है वो अंडर मेंटेनेंस है तो उसके घर में पावर नहीं होगा, तो उसका पावर कट है बाकी सामने वाला का होगा पावर। तो थ्री फेज एक्चुअली एग्जिस्ट ही क्यों किया, सिंगल फेज एसी पढ़ रहे थे हम लोग, एक सिंगल तार था उसमें एसी फ्लो कर रहा था, ये सब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो थ्री फेज की तरफ क्यों जाके गए? तो थ्री फेज की तरफ हम लोग इसीलिए गए ताकि कंज्यूमर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, ठीक है? देखो अगर तीन फेज था तो एक फेज में फॉल्ट हुआ, एक फेज में फॉल्ट हुआ बाकी दो फेज से तो कस्टमर को सप्लाई आ रहा है, सारे के सारे कस्टमर तो मतलब लॉस में नहीं चले गए कि पूरा ही सप्लाई हो गया कट, ठीक है? तो बस टू इम्प्रोवाइज
टू इम्प्रोवाइज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम थ्री फेज एसी सर्किट कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है, तो कहीं कहीं तुम बुक में पढ़े होगे पॉलीफेज मतलब मोर देन वन फेज इज योर पॉलीफेज. तो अब देखो जनरेशन ऑफ ईएमएफ कैसे होता है बाबू. ईएमएफ तो मैंने बता ही दिया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में तुम रोटेट करोगे. मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम वेरिंग फील्ड मतलब कि टाइम वेरिंग फ्लक्स है वहां पे. तुम क्या है करंट क्या पढ़ते हो, करंट इज इक्वल टू पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हो. तुम अभी याद करो हमारे पास दो फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो करंट होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंक्रीमेंटल चेंज इन चार्ज अपॉन इंक्रीमेंटल चेंज इन टाइम. फ्रॉम 12th यू पीपल आर स्टडिंग दिस. ठीक है, फ्रॉम 12th आप ये पढ़ रहे हैं कि करंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल चेंज इन चार्ज अपॉन इंक्रीमेंटल चेंज इन टाइम. तो आई इज इक्वल टू पढ़ते हो डी क्यू बाई डी टी. Then what about the magnetic field? Same thing is happened in magnetic field. ठीक है, तो magnetic field में क्या होता है कि same way में तुम उसको analyze करो कि incremental change in flux divided by incremental change in time. तो अगर तुम electric field और magnetic field की बात करते हो, ये आप ले लो electric field और यहाँ पे आप रख सकते हैं दो magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखोगे आई इज इक्वल टू डी फाई बाई डीटी. ये आई नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया E = V by D. तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल चीज है जो छोटा क्वांटिटी वो है तुम्हारा चार्ज. तुम्हारा मूविंग कंडीशन में होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड में जो इंक्रीमेंटल स्मॉल क्वांटिटी है वो है तुम्हारा फ्लक्स. जो फ्लक्स है वो चेंजिंग नेचर का होना चाहिए. चेंजिंग कहने का मतलब ये या तो साइनसॉइडल होना चाहिए या कोसाइनसॉइडल होना चाहिए, मतलब पीरियडिक वेव होना चाहिए जो हर एक इंस्टेंट पे अल्टरनेट करेगा अपने वैल्यू को, यानी कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होना चाहिए. तो तुम सिंगल फेज एसी जनरेशन कैसे पढ़े थे कि जनरेशन ऑफ ईएमएफ क्या पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर को हम एक टाइम वेरिंग फ्लक्स में एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे. तो जब कंडक्टर को तुम उस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ लिंक कर रहा है और विद इन द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ लिंक कर रहा है, उसमें जब घूमना शुरू करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है कट होना शुरू होगा. जब कट होगा तो वहां पे टाइम वेरिंग फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन आता है लेंस लॉ के वजह से. ये सब मैंने डिस्कस किया था. अब क्या मेथड होगा कि थ्री फेज ईएमएफ कैसे आप जनरेट करेंगे. तो थ्री फेज ईएमएफ जनरेट करने के लिए एक सिंगल कॉइल का हम लोग चर्चा किए थे. फिगर से समझ जाओ, एक सिंगल कॉइल को पहले हम लोग जनरेट किए थे. तो सिंगल ईएमएफ कॉइल थ्री फेज के लिए हम लोग तीन कॉइल को एडजस्ट करेंगे. ठीक है, तीन कॉइल को हम लोग तीन कॉइल जो 120 डिग्री फिजिकली अपार्ट होगा उसको हम लोग रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में ताकि आपका तीन फेज क्रिएट हो ईएमएफ का. ठीक है, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होगा. अब बोलेंगे मैडम 120 डिग्री अपार्ट ही क्यों नहीं है, तो फिजिक्स याद करो. अगर तुम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, अगर 120 डिग्री
ये F2 है और ये F3 है, पढ़ते थे या तो इसका दूसरा नाम भी पढ़ते थे तुम, क्या पढ़ते थे? कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो देखो अगर तुम इसकी बात करो F2 और F3 की, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो ये होता था तुम्हारा बैलेंस फोर्स, इक्विलिब्रियम इन फोर्सेस। कुछ टर्म याद आ रहा है आप लोग को? Yes. कुछ याद आया कि सब भूल के बैठ गए? यस मैम। तो इसी को हम बोलते थे बैलेंस फोर्सेस या इक्विलिब्रियम इन फोर्सेस। तो सेम वे में हम तीन ईएमएफ ऐसा जनरेट करेंगे जो कि 120 कॉइल को सबसे पहले इस तरह से रखेंगे कि तीनों कॉइल 120 डिग्री फेज अपार्ट में हो। तो उसके कंसिक्वेंटली आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा तीनों कॉइल में वो भी 120 डिग्री टाइम में 120 डिग्री फेज डिफरेंस में होगा। तो वो एक बैलेंस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो देखो तुम अभी सिंपल सा समझो, पहले हम ऐसा फिगर बना के बता रहे हैं, फिर इक्वेशंस बताएंगे आपको। तो सबसे पहले है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? इसमें एक कॉइल है जो इस तरह से है, ठीक है? एक कॉइल है और यहाँ पे दो मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। गांव मेरा ड्रॉइंग बहुत ही हॉरिबल है, इसलिए आप लोग ड्रॉइंग सबसे अच्छे से कर लीजिए। मेरा ड्रॉइंग सबसे बहुत हॉरिबल है, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बस समझ जाइए। एक बॉय हो जबकि एक्सिस इस पर रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक, ठीक है? नॉर्थ और साउथ, तो ए वन और ए टू दो पॉइंट है, ठीक है? तो सिंगल फेज के लिए क्या होगा, ईएमएफ रिड्यूस होगा क्योंकि पीरियडिक नेचर का होगा इस तरह का ईएमएफ। जो लोग एसी में पढ़े थे, अगर ये स्मॉल ई का प्लॉट है और ये क्या चीज है, थीटा, थीटा का, ठीक है? तो ई मैक्स हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस ई मैक्स, तो ये हो गया ई मैक्स पॉजिटिव है और ये हो गया माइनस ई मैक्स, तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है? और ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा टू पाई, ठीक है? ये हो गया एक फेज के लिए, ठीक है? जब थ्री फेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों कॉइल ए वन और ए टू ऐसे है ही और फिर इसी से 120 डिग्री फेज अपार्ट यहाँ पे एक दूसरा कॉइल रख देंगे 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी वन और बी टू और ठीक इसी तरीके से एक तीसरा कॉइल वहां पर रख देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा सी वन एंड सी टू 120 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है? तो इससे तीन ईएमएफ आपका जनरेट होगा, तीन ईएमएफ, ठीक है? ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, तीन ईएमएफ के लिए पहला जो ईएमएफ है वो आया ए वन और ए टू पॉइंट, ए वन और ए टू, ये ईएमएफ हुआ ए वन और ए टू का। इससे ठीक बी में, ठीक है, इस तरह करके और इस तरह करके 120 डिग्री ये 120 डिग्री ये, तो ये हो गया E V1 V2, इसके फेज डिफरेंस है और फिर ठीक इसके 120 डिग्री में ये आ जाएगा E C1 C2। EMF in coil A1 A2, EMF in coil V1 V2 and EMF in coil C1 C2। तो देखो अगर तुम क्लॉकवाइज कर रहे हो, A1 और A2 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे, B1 और B2 से 120 डिग्री क्लॉकवाइज C1 C2, लेकिन अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस 120 डिग्री, ठीक है? तो ऐसे होगा फेज डिफरेंस, समझ जाओ। फेज सीक्वेंस अगर तुमसे पूछे तो ये ए फेज है, ये बी फेज है और ये सी फेज है, ठीक है? ए बी सी, तो फेज सीक्वेंस अगर पूछते हैं कि हमको फेज सीक्वेंस बताओ तो तुम बोलोगे ए बी सी, यानी ए से 120 डिग्री बी क्लॉकवाइज और B से 120 डिग्री क्लॉकवाइज C, ठीक है? अगर हम बोलेंगे फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए तो आप B कॉइल का पोजीशन C में कर दीजिए और C कॉइल का पोजीशन B में, तो तब फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, A B C को आप टर्न कर दीजिए,
अब क्या डिफरेंस है एंटी क्लॉकवाइज में? कोई डिफरेंस नहीं होगा. अगर तुम इसमें लिखते हो E A1 A2, अगर तुम लिखते हो मैक्सिमम वैल्यू E max sin omega t, तो B फेज के लिए लिखोगे E max sin omega t minus 120 degree, C फेज के लिए लिखोगे E max sin omega t minus 240 degree, ठीक है, या E max sin omega t प्लस 120 डिग्री. एम आई रॉन्ग? माइनस 240 डिग्री लिखे क्योंकि तुम क्लॉकवाइज गए. अब तुम एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ तो वहां थीटा लीडिंग पोजीशन में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 120 डिग्री. एम आई अंडरस्टूड? समझे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूं? यस मैम. चलो इसको हम लोग अब ऐसे लिखते हैं. देखो एकदम छोटा सा है चीज, तुम बुक में पढ़ने जाओगे तो तुमको हॉरिबल लगेगा कि क्या 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 बोल रहा है. बस बात समझो कि हो क्या रहा है, फिजिकली क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि तुमको बैलेंस सप्लाई मिले. इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बैलेंस सप्लाई मिले. इसीलिए आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा कि व्हाई यू हैव चोजन द 120 डिग्री फिजिकल अपार्ट इन द मतलब फेज डिफरेंस 120 डिग्री इन द वाइंडिंग. तो आप बोलेंगे टू मेक द वाइंडिंग बैलेंस्ड. ठीक है, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम इन फोर्सेस हम लोग करते हैं, तो हम लोग उसको जो है फिजिकली 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रखे हैं ताकि जो सप्लाई हमको मिलेगा वो बैलेंस्ड हो. ओके, ये आपको वाइवा में भी आंसर करना. पागल है क्या? कौन है? कौन पागल हो गया यार? पागल गज का दामन पैर मैं तक चलूंगी. जिसको पढ़ना है वो रहिए. देखिए पहले ना, पहले इंसान को बोला जाता था कि साधु संत कैसे बनना है. तो कैसे बनते थे साधु संत? हम लोग बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखना है. तो उसी तरह आपको भी ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे हैं तो बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना. जिसको जो चलाना है चलाइए, आपको सुनना है आप सुनिए. यू पीपल विल बी बेनिफिटेड इन कंपैरिजन टू हिम. ठीक है, तो चुपचाप इसको कहते हैं सेंट बनना, मतलब साधु संत. जो हो रहा है आसपास होने दो, तुम अपना कंसंट्रेट रहो कहाँ क्या है. देखो अब 10 या 20 मिनट का क्लास होता है. अगर तुम क्लास में इफेक्टिवली खाली सुन लोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर टाइप पढ़ा रही हूँ कि ऑक्सफोर्ड के टाइप, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि आप चीज बस समझ जाए ब्रीफ में. ठीक है, ताकि उसके लिए आपको बुक को बार बार पढ़ना ना पड़े. आप बुक पढ़ेंगे आपका माइंड सेट है उतना कि आप समझ जाएंगे, लेकिन आपका टाइम बचे इसलिए. ठीक है, देखिए चलूंगी बावन गज का दामन पैर में. तो बावन गज का पहनना बहुत पसंद. ईमैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120. ठीक है, और ई ईवन टू इसको कौन सा बोलेंगे? ईमैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री लिखो, या लिखो ईमैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120. क्यों लिखा है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम प्लस 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. एक रिजल्टेंट ईएमएफ हम दिखा देते हैं, फिर इसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे. स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, यानी कि थर्सडे. ओके, थर्सडे के बाद आपको नए टीचर पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मर, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे. और तो देखिए ये लिख 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 के मुझे बताइएगा कि हो गया.
हो गया मैम, हो गया, हो गया मैम, हो गया मैम। मैम एक मिनट, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, एक बार रिबेल करके आ रहे हैं, एक बार हेलो आई एम, तो आपका स्मार्टनेस मैं निकाल दूंगी, जो भी है एनीवन। ये रिबेल वाला है मैम। अरे यार प्लीज मत करो मैम, का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा गाना। व्हाट आर यू डूइंग? दो तीन लोग को तो ऐसे में डिबार्ड होंगे, ठीक है? अब उसमें अच्छे लोग मुझे ना लेके जा रहा हूँ उसको, तुम मत छो, लेकिन आपके फ्रेंड लोग कंजर में मत छो। अब मारिया ना इन लोग को, बहुत गाना वाना बजा रहा है। ऐसे आप लोग डर भी होगा ना, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यू पीपल आर डूइंग दिस, देन थिंक अबाउट द व्हाट एवर यू विल डू इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। मार करेगा मार। एवर टू ईपी सपोज इसका कंफर्म वैल्यू ये है, अब इसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। ईपी वन लिखो तो तुम लिखो ईपी एट द एंगल ऑफ माइनस वन ट्वेंटी, और ई पी वन लिखो तो लिखो ईपी एट द एंगल ऑफ प्लस वन ट्वेंटी या माइनस टू फोर्टी डिग्री, इट्स अप टू यू। एक ही वैल्यू आ रहा है, प्लस वन ट्वेंटी डिग्री या माइनस टू फोर्टी डिग्री। तो देखो आप ई पोलर फॉर्म में लिखे, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? ईपी बी वन के टू की बात कर रही हूँ, ईपी इनटू माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म ईपी माइनस जीरो पॉइंट फाइव, देखो इसका रियल पार्ट में बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा जे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स। तो जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे, जिसको हम न्यूट्रल बोल रहे थे, देखो ये नहीं चीज है, रिजल्टेंट जो है जिसको न्यूट्रल या ईएम बोलो, न्यूट्रल न्यूट्रल ईएमएफ, वो रिजल्टेंट या ईआर ईआर कर दो, सबसे बेसिक क्लास में आएगा कि ईआर कर दो, ईआर इज इक्वल टू ई ए वन ए टू, देखो ये स्मॉल ही है ना, हर जगह नोटिफिकेशन अलग अलग यूज करो तो दिक्कत होगा, ये स्मॉल ही होगा, पीछे तुम स्मॉल ही होगा, कैपिटल स्मॉल कंफ्यूज हो गया। ई ए वन ए टू ई बी वन बी टू प्लस ई सी वन सी टू, इसको जब करोगे तो रिजल्टेंट तुम्हारा आएगा क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा जीरो। तो यही हो गया बैलेंस्ड का, ये कि बैलेंस्ड है, ठीक है? तो यहाँ तक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फेज सिक्वेंस तो बता दिया आपको, इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज पढ़ेंगे, स्टार और डेल्टा, ठीक है? स्टार डेल्टा, और उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल ले लेंगे, और थ्री फेज का एडवांटेज में दिखा दूंगी आपको कि क्या होता है ओवर द सिंगल फेज। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पांच मिनट में नोट कर सकते हैं, अगर यू पीपल वांट टू नोट कि व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ थ्री फेज ओवर द सिंगल फेज, ठीक है? तो बस सिंगल फेज में क्या है, पावर डिलीवर्ड पल्सेटिंग होता है, छोड़ो नोट मत करो, तुमको कहीं भी मिल जाएगा, सर्च कर लेना किताब में, नोट पीडीएफ बनाकर भेजिएगा मैम। थैंक यू। अमर पी में बैठ के लगी रे, ये दादा ये बा